आइए दोस्तों, आज हम एक माइंस में चलते हैं। यहाँ साथीगण अटेंडेंस लगा रहे हैं और ये है शिफ्ट इंचार्ज रूम। शिफ्ट इंचार्ज की देखरेख में ही पूरे शिफ्ट का परिचालन होता है, जिनके द्वारा अलॉटमेंट का कार्य किया जाता है। शिफ्ट इंचार्ज और सुपरवाइजर अपने रूम से निकलकर कैंटीन की ओर जाते हैं, जहां एक साथ सारे वाहन ऑपरेटर जमा होते हैं। तभी शिफ्ट इंचार्ज सभी वाहन ऑपरेटरों से कहते हैं, आपका अलॉटमेंट निकल गया है, क्या आपको डंपर चलाने के नियम मालूम है? जी सर। कोई भी व्यक्ति खदान के अंदर डंपर नहीं चलाएगा जब तक कि उसे खान प्रबंधन द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि एक डंपर चालू करने से पहले एक ऑपरेटर को डंपर की क्या क्या जांच करना अनिवार्य होता है? सर, हम बताते हैं। हम सबसे पहले डंपर के चारों ओर घूमकर देखेंगे कि पायदान, सीढ़ी, रेलिंग सभी ठीक हैं। फिर रेडिएटर, इंजन, हाइड्रोलिक से कोई लीकेज तो नहीं है और डंपर के टायर की स्थिति ठीक है। सस्पेंशन देखेंगे कि वो बैठे तो नहीं है। फिर डंपर में चढ़कर सभी सेफ्टी के उपकरण जैसे हेडलाइट, हॉर्न, बैकलाइट, पैनल लाइट, रियल विजन कैमरा, ऑडियो विजुअल अलार्म, OITDS पैनल, प्रोक्सिमिटी सेंसर, सीट बेल्ट एवं AFDSS काम कर रहे हैं या नहीं। बहुत अच्छे, आप एक बहुत अच्छे ऑपरेटर हैं और सभी को आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी। ये एक एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर की निशानी है। सर, हमें गति सीमा की जानकारी एक बार पुनः दीजिए। अच्छा, हमारे खदान में अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु डंपयार्ड जाने वाले रास्ते पर अधिकतम गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी और डंप पॉइंट एवं पार्किंग स्थल पर अधिकतम गति सीमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। साथ ही ढलान में उतरते वक्त वाहन की गति सीमा नियंत्रण में रखें और RAC स्विच का उपयोग करें। यदि किसी कारणवश विजिबिलिटी कम हो तो गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। साथ ही हैजर्ड लाइट्स का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद सर, आपने अच्छी जानकारी दी हमें। आइए अब मैं आपको रास्ते का अधिकार राइट ऑफ वे नियम के बारे में बताता हूँ। चौराहों में अपने डंपर की गति अवश्य धीमी कर लें और कोई वाहन ना हो तभी आगे बढ़े। अगर हल्के वाहन और भारी वाहन एक साथ चौराहे पर पहुँचते हैं तो हल्के वाहन के चालक को रुकना होता है। साथ ही इमरजेंसी जैसे वाहन जैसे फायर टेंडर, एम्बुलेंस को हमें प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही वाटर स्प्रिंकलर एवं ग्रेडर को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी। अब हम पार्किंग के नियमों के बारे में बात करते हैं। वाहन को निर्देशित जगहों में ही खड़ा करना है, हॉल रोड में बिल्कुल भी नहीं। अगर डंपर हॉल रोड में ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसका डाला उठा दें। साथ ही आगे और पीछे एक एक लोड गिरा दें एवं हैजर्ड लाइट्स ऑन कर दें, जिससे पीछे से आने वाले डंपर को ब्रेकडाउन डंपर नजर आ जाए। साथ ही चक्कों को एक तरफ काट दें, पार्किंग ब्रेक लगाकर चक्कों को ब्लॉक से जाम कर दें ताकि लुढ़कने का खतरा ना रहे। इसके बाद मेंटेनेंस टीम एवं शिफ्ट इंचार्ज को तुरंत ब्रेकडाउन की खबर करें। आइए, सही समय पर आए हैं। आप डंपिंग में ड्यूटी करते हो, इन साथियों को डंपिंग में लेने वाली सावधानियों के बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले डंप में प्रवेश करते समय ये जरूर देखें कि बम बनी हुई है, कहीं डंपिंग फटी तो नहीं है, अंडर कट तो नहीं है, ओवरहेड लाइन बिजली के खंभे तो नहीं है। इसके बाद ही उस स्थान पर बैक करें, सुरक्षित रूप से अनलोडिंग करें। मटेरियल गिराने के बाद डाला पोजीशन में बैठने के बाद ही डंपर आगे बढ़ाए। और हाँ, बारिश के समय या बर्म कमजोर रहने पर एज डंपिंग बिल्कुल ना करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा। कभी भी ओवरटेक ना करें। दो डंपरों के बीच कम से कम 40 मीटर की दूरी रखें। डंपर को निर्देशित स्थान पर ही रिवर्स करें। डंपर चालू करने से पहले दो हॉर्न बजाकर एवं रियर व्यू मिरर और ब्लाइंड स्पॉट मिरर में देखकर सुनिश्चित होने के बाद ही आगे बढ़ें और मोबाइल का प्रयोग कदापि ना करें। दोस्तों,
हमारे शिफ्ट इंचार्ज इतना सोचते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सभी सुरक्षा के नियमों का संपूर्ण पालन करें और डंपर चलाते समय मोबाइल का कभी प्रयोग ना करें। हाँ, सही बात है सर। हम इन नियमों का पालन करके अपने माइंड को सुरक्षित और प्रोडक्टिव बनाएंगे। जी हाँ, आप भी ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन कर अपनी माइंड्स को, साथ ही अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।